हमला होने पर अक्सर ख्वातीन को मतली होती है और कह आना मामूल बन जाती है, जिस पर वो परेशान रहती हैं। लेकिन अब साइंसदानों ने जदीद तहकीक में इसका ऐसा फ़ायदा बता दिया है कि जिन ख्वातीन की तबीयत ख़राब नहीं होती वो परेशान होंगी। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि उम्मीद से होने पर ख्वातीन के जिस्म में हार्मोन्स की मकदार बहुत ज़्यादा पैदा होने लगती है, जिससे उन्हें मतली और कह आना शुरू हो जाती है। ये इस बात की अलामत होती है कि उनके पेट में मौजूद बच्चे को ऑक्सीजन और नशोनुमा के लिए ज़रूरी दीगर अज्ज़ा वाफिर मकदार में मुयस्सर आ रहे हैं और रहम मादिर से फाजिल मादों का बेहतर इखराज हो रहा है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साइंसदानों का कहना था कि बुनियादी तौर पर ख्वातीन की इस हालत का जिम्मेदार एंडोकैनन नामी हार्मोन होता है, जो दिमाग पर इस अंदाज से असरअंदाज होता है कि वो मतली महसूस करने लगता है और कह आनी शुरू हो जाती है। तहम ये इस बात की भी अलामत है कि रहम मादिर की तरफ खून का बहाव बहुत बेहतर है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा बखूबी मिल रहे हैं। तहकीकाती टीम के सरबरा प्रोफेसर फ़िलिप ओरी का कहना था कि ख़वातीन को मतली और कै वगैरह की शिकायत हमल के 16 से 20 हफ्तों में ख़त्म हो जाती है। हमें उम्मीद है इस तहकीक से हामला ख़वातीन को नफ्सियाती तौर पर कुछ आराम मिलेगा।